Hello everyone, my name is Daisy and in this video I am going to explain how to multiply any number with a multiple of 11. 11 के multiple के साथ कैसे करेंगे multiply? Start करते हैं इस video को. तो देखिए first example मैंने लिया है 234 into 11. 11 के साथ किसी भी number की multiplication वाली video मैं already बना चुकी हूँ. उसका link आप description में जाकर देख सकते हैं. But still हम लेते हैं छोटा सा recap. तो क्या करेंगे देखिए 234 को जब 11 के साथ हमें multiply करना है तो हम क्या करते हैं फर्स्ट और लास्ट नंबर को एज इट इज लेते हैं. ओके फर्स्ट इज टू एंड लास्ट इज फोर और वी कैन से फर्स्ट इज फोर लास्ट इज टू. ओके अब क्या करेंगे यहां से करेंगे इनको प्लस. सो टू प्लस थ्री इज फाइव एंड थ्री प्लस फोर इज सेवन एंड टू फाइव सेवन फोर इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 234 इंटू 11. ओके आई होप आपको समझ आ गया होगा. लेते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल जो कि क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है 536 22 के साथ. ओके एंड 22 इज द मल्टीपल ऑफ 11. ओके हम लिख सकते हैं 2 इंटू 11 इसको. सो लिखेंगे 536 इंटू 2 इंटू 11. ओके अब इस नंबर को हम पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारा 6 टू जा 12, 3 टू जा 6 प्लस 1 इज 7 एंड 5 टू जा 10. सो 1072 इंटू 11. ओके और अब जैसे हमने 11 को यहां पे मल्टीप्लाई किया था नंबर के साथ वैसे ही इनको करेंगे मल्टीप्लाई. तो देखिए क्या आ जाएगा फर्स्ट 2 एंड 1 एज इट इज एंड नाउ 1 प्लस 0 इज 1 एंड 0 प्लस 7 इज 7 एंड 7 प्लस 2 इज 9. ओके सो 11792 इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 536 इंटू 22. ओके आई होप ट्रिक आपको समझ आ रही होगी कैसे करेंगे 11 के मल्टीपल्स के साथ हम मल्टीप्लाई. ओके नाउ नेक्स्ट एंड नेक्स्ट इज 40516 इंटू 44. इसको करेंगे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई. पहले करेंगे 4 से इसको. तो देखिए 4 से क्या आएगा 4 6 जा 24 4 हेयर 2 इज कैरी ओवर 4 1 is 4 plus 2 is 6. 4 5 is 20. 0 2 again carry over. 4 0 0. So 2 yaha jayega. 4 4 is 16. Okay. Into 11. Okay. Ab karenge 11 se multiply. To dekhiye 1 and 4 a jayega. First and last digit. Then karenge dono ko plus. So 6 plus 1 is 7. 6 plus 2 is 8. 2 plus 0 is 2, 0 plus 6 is 6 and 6 plus 4 is 10. So 0 यहां पर और 1 back number के ऊपर carry over. Okay. So final answer हमें क्या मिलेगा यहां से 1 7 8 2 7 0 4. Okay. 1 7 8 2 7 0 4 is the product of the given numbers. Okay, now next. Now next and next is 7694 into 77. Okay, तो करते हैं पहले 7 से multiply number को. So देखिए क्या आएगा 7 4 जा 28. So 8 here, 2 carry over and 7 9 जा 63. 63 plus 2 is 65. So 5 in answer and 6 is carry over. Next 7 6 जा 42, 42 plus 6 is 48, so 8 here, 4 carry over and last 7 7s are 49 and 49 plus 4 is 53. Okay, and isko karenge 11 ke saath, to dekhiye kya aayega, 5 here and 8 here and plus karenge 5 plus 3 is 8, 3 plus 8 is 11. So 1 in answer and 1 is carry over and now 8 plus 5 is 13. So 3 in answer and 1 carry over and again 5 plus 8 is 13. So 3 here and 1 carry over. Okay. So finally kya milega hame? 5, 9, 2, 4, 3, 8. 5, 9, 2, 4, 3, 8 is the product of the given numbers. Okay. I hope samajh aaya hoga ye bhi. Lete hain last example. And last is
25039 is multiplying with 121. Okay, and 121 को ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलता है 11 into 11. Okay, that means इस नंबर को पहले करेंगे 11 से एंड अगेन करेंगे 11 से मल्टीप्लाई. तो करते हैं, सो क्या आएगा अगर हम 11 से करेंगे तो देखिए 2 एंड 9 दोनों को करेंगे प्लस, सो 2 प्लस 5 इज 7, 5 3 एंड यहां से आएगा 12, सो 2 यहां 1 कैरी ओवर into 11 and 2 7 5 4 2 9 into 11. okay, और देखिए क्या मिलेगा यहां से 2 and 9 यहां पर, so 2 plus 7 is 9, 7 plus 5 is 12, so 2 यहां 1 carry over, 5 plus 4 is 9, 4 plus 2 is 6 and 2 plus 9 is 11, so 1 here and 1 carry over and finally 2, but यहां पर क्या हो गया 9 plus 1 is 10, so 0 यहां आएगी और 1 carry over आएगा 2 के ऊपर, so 2 9 7 1 9 and final answer is 3 0 2 9 7 1 9. 3 0 2 9 7 1 9 is the product of the given numbers. Okay, so I think trick आपको समझ आई होगी किसी भी given number को 11 के multiple के साथ हम कैसे multiply करेंगे, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. समझ आया तो वीडियो को like and share जरूर करिएगा. मिलते हैं next video में next trick के साथ. Till then take care, bye bye.